हाय फ्रेंड्स, सो अपसेट. आज का मैच कितना बुरा हो रहा है. इंडिया खेल खेल के सेमीफाइनल तक पहुंची है, हाथ ही निकल गया, पूंछ बाकी है, बताओ. और इन प्लेयरों की बीवियां वहां पे क्या कर रही है? जिन जिन की बीवियां गई है वहां पर, वो सब आउट हो रहे हैं बुरी तरह से. बताओ, कोहली की वाइफ गई है अनुष्का. कोहली अभी देखो कैसा गंदे तरीके से आउट हुआ. कोई सोच सकता है क्या, विराट तुम कैसे आउट हुए हो यार? तुम लोग वर्ल्ड कप करने गए हो, हनीमून मनाने थोड़ी गए हो सब लोग. 5 साल में एक बार वर्ल्ड कप आता है. ये कप हमारा हो सकता था अगर तुम्हारी बीवियां वहां पे नहीं जाती. व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइस? कम ऑन, वर्ल्ड कप आने के बाद तुम लोग हर जगह घूम सकते थे. तुम्हारे में स्टेमिना नहीं रहा है. यू कैन टेक अ रन? कैसे आउट हो रहे हो आप लोग? सो बैड. क्यों लेकर गए आपकी बीवियों को वहां पर वर्ल्ड कप में? वी आर सो अपसेट. वी आर सो लिटरली अपसेट. रोहित शर्मा की वाइफ गई है वहां पर, कोहली की वाइफ गई है, और बहुत सारे लोगों की वाइफ है, पता नहीं किस किस की. हमें तो इंडिया से लेना देना है. ये तो वर्ल्ड कप कम, हनीमून कप ज्यादा लग रहा है. पूरी दुनिया की आंखें, पूरे इंडियन लोगों की आंखें तुम लोगों पर टिकी हुई है. ना वो खाना खा रहे, ना वो टॉयलेट जा रहे, ना वो बिजनेस कर रहे, ना ऑफिस जा रहे, कोई कहीं नहीं जा रहा. दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, कह रही है वर्ल्ड कप आएगा तब दूध पिलाऊंगी. बताओ क्या हो रहा है क्रिकेटरों, तुम लोगों को अपनी बीवियों को वहां पे क्यों लेकर गए? एक्सक्यूज मी गाइस, बताओ. पति पत्नी को नहीं देख रहा, पति और पत्नी मतलब टीवी में खोए हुए हैं. बीवियों का सबको तलाक हो रहा है वर्ल्ड कप की वजह से. व्हाट्स रॉन्ग? सबको ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए वर्ल्ड कप आएगा, लेकिन वर्ल्ड कप तो हो रहा दूर, यहाँ पे तो हनीमून कप हो रहा है. वे सो लिटरली अपसेट. कम ऑन धोनी, अब तुम इज्जत बचाओ. वेर आर यू धोनी? देखो.